जानवर ने किया गजा का कारनामा बना दिया रिकॉर्ड, ये देखकर चौंक गए वैज्ञानिक। कुछ दिनों पहले एक लोमड़ी ने कुछ ऐसा करके रिकॉर्ड बनाया है जिसे अब तक सिर्फ इंसान करते आए हैं। इसे प्रकृति का करिश्मा कहें या जानवर की अविश्वसनीय क्षमता का नतीजा, लेकिन ऐसे कारनामे का रिकॉर्ड अब तक सिर्फ मनुष्यों के नाम था, लेकिन अब जानवर भी इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। एक लोमड़ी ने 4 महीने में एक अविश्वसनीय दूरी को पूरा करके वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। इस जानवर को तटीय या नीले लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसने नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप स्पिट्सबर्गेन से 2700 मील की दूरी तय की, जो कनाडा के नुनावुक में एलिसमेरे द्वीप पर है। यह किसी प्रजाति द्वारा तय की गई सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। शोधकर्ताओं के अनुसार नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पहली बार 2017 में एक ट्रैकिंग कॉलर के साथ लोमड़ी को आर्कटिक लोमड़ियों के स्थानिक पारिस्थितिकी के बारे में चल रहे अध्ययन के हिस्से के रूप में प्रकृति में छोड़ दिया था। महीनों तक लोमड़ी पश्चिमी स्पिट्सबर्गेन के समुद्र तट के किनारे रही। पहली बार बर्फ से ढके समुद्र को खोजने के बाद लोमड़ी ने स्पिट्सबर्गेन को छोड़ दिया। 21 दिन और लगभग 939 मील की यात्रा करने के बाद वे 16 अप्रैल 2018 को ग्रीनलैंड पहुंची। इसी तरह 2010 में कनाडा के आर्कटिक में एक वयस्क आर्कटिक लोमड़ी एक यात्रा पर रवाना हुई। उसने कुल मिलाकर 2800 मील की यात्रा की, लेकिन 5 महीने की लंबी अवधि में लोमड़ी की औसत यात्रा की गति उसकी यात्रा के दौरान बहुत अलग थी, जो प्रतिदिन लगभग 28 मील की दूरी तय करती थी। उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर को पार करते हुए उसकी सबसे तेज रिकॉर्ड गति दर लगभग 96 मील प्रतिदिन थी। यह दर्शाता है कि वह समुद्री बर्फ का उपयोग ज्यादातर अपनी यात्रा में मदद करने के लिए कर रही थी।